हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग शूट करने के लिए हम आ गए हैं काशी विश्वनाथ टेंपल। अभी फिलहाल हम गोदौलिया चौराहा पर हैं। आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी भीड़ है, यहाँ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आगे टेंपल के लिए भी काफ़ी लाइन लगी हुई है, तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस, गोदौलिया चौराहा पर ही काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। आगे दर्शन के लिए लाइन भी लगी होगी। देखिए ये है प्रॉपर गोदौलिया चौराहा, यहाँ पर अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर भी चल रहा है। यहाँ पर देखिए गाइस कितनी भीड़ है, काफी ऊपर करके कैमरा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए गाइस गोदौलिया चौराहा पर काफी भीड़ हो गई है, तो वहाँ पे आगे जाने नहीं दे रहे हैं लोग। ये एक गली है घाट पर जाने के लिए, तो इसी गली से ही हम घाट की तरफ बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कौन सा रास्ता है। देखिए गाइस आधा घंटा चलते चलते गली में अब देखिए कौन से घाट पे हम लोग आ गए हैं। अभी घाट पे चलते हैं तब पता चलेगा कौन सा घाट है। इस गली से तो हम लोग कभी पहले आए नहीं है। ये देखिए गाइस गंगा जी का पानी कितना ज्यादा बढ़ गया है, घाट पे बिल्कुल जाने लायक भी नहीं है। देखिए इधर ही लोग नहा भी ले रहे हैं, आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए पूरे घाट तक पानी आ गया है। कोई बता रहा है कि अहिल्या बाई घाट है ये। ये देखिए गाइस हमारे दोस्त भी आए हैं, हिमांशु उपाध्याय जी। और प्रियांशु कहाँ चले गए हैं? वो शायद नीचे चले गए हैं, अभी हम भी नीचे आपको लेके चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी जगह है नीचे जाने के लिए, चलिए हम लोग भी चला जाए नीचे। ये देखिए गाइस अहिल्याबाई घाट पे हम लोग आ गए हैं। अभी जैसा कि हमने आपको बताया है गली से काफ़ी लोग आ रहे हैं, क्योंकि आने का रास्ता अब यही एक लोग छोड़े हैं उधर से बस जाने के लिए गोदौलिया चौराहा। ये देखिए गाइस कितने ज़्यादा पानी भर गया है, बहाव काफ़ी तेज है पानी का। ये देखिए गाइस पानी का बहाव काफ़ी तेज है, कैमरे में उतना पता नहीं चल रहा होगा। ये देखिए गाइस घाट के कुछ दृश्य, यहाँ पर एक मंदिर भी है। और ये देखिए यहाँ से जाने लायक कोई जगह भी नहीं है, और मंदिर में चप्पल पहन के हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो उस पर हम लोग जा भी नहीं पा रहे हैं। आपको हम व्लॉग में कॉरिडोर भी विजिट कराने वाले थे, लेकिन पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये देखिए ये पिलर वाला है जो नीला वाला, ये है दशाश्वमेध घाट। और आगे आपको जो पोल्स दिख रहे हैं चार, वही है कॉरिडोर। देखिए आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि पानी का बहाव कितना तेज है, इसलिए कोई बोट भी गंगा जी में दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए गाइस हमारे मित्र हैं प्रियांशु, देखिए भाग गए कैमरा देखते ही, इनको तो हमने आपको दिखाया ही है। हम लोग आए थे काफ़ी अच्छा व्लॉग शूट करने के लिए, लेकिन
पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है। देखिए गाइस, पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप देख सकते हैं पीछे। अभी आपको हमने वीडियो में दिखाया ही है और लोग मना भी कर रहे हैं कि आगे मत जाओ। और एक अंदर से रास्ता है तो वहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे कि मंदिर तक पहुँच सके। चलिए देखते हैं आप। देखिए गाइस, गली से घूमते घूमते दशाश्वमेध घाट पे पहुँच गए हैं। ये है दशाश्वमेध घाट, आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। ये देखिए पूरी पुलिस भी यहाँ पे, कृपया ध्यान दें और अनाउंसमेंट भी लगातार के आगे जाकर आप लोग स्नान न करिए। दिनों से दूर भी हो जा रहे हैं तो अनाउंसमेंट भी लगातार हो रहा है। पुलिस, एनडीआरएफ, जल पुलिस, पीएससी और हमारे माजी भी जा रहा है। नावों पे अपने अपने आप को बता रहे हैं, गहरे पानी में न जाइए, उनकी बातों को आप सुने। आप गहरे पानी में कतई न जाइए, के लिए भी व्यवस्था पूरी की गई है। कम पानी में स्नान करिए, सुरक्षित रहिए, परिजनों से दूर भी हो जा रहे हैं। अपना सामान देखते रहिए, पर्स, मोबाइल, बैग, किसी अपरिचित व्यक्ति को दिखाकर स्नान करने न जाइए। समेत घाट, चलिए गाइस फिर यहाँ से हम वापस चलते हैं क्योंकि आगे कॉरिडोर तक जाने के लिए जगह ही नहीं है क्योंकि पानी ज़्यादा आ गया है घाट तक। चलिए फिर यहाँ से वापस चलते हैं। देखिए गाइस, ये हमारे दो मित्र हैं, ये प्रियांशु हैं गमछा बांध के और ये हिमांशु हैं। दोनों लोग आए थे काफ़ी सहयोग करने के लिए, लेकिन यहाँ पे गंगा जी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है तो आगे हम लोग कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं इस वजह से। ये देखिए भीड़ भी काफ़ी है श्रद्धालुओं की। देखिए गाइस, यहाँ पे नया निर्माण भी हुआ है दशाश्वमेध भवन। यहाँ पे कांवरिया वाले भी आराम कर रहे हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ से एंट्री है काशी विश्वनाथ टेंपल में जाने के लिए। यहाँ पे देखिए काशी विश्वनाथ द्वार, काफी भीड़ है गाइस। देखिए गाइस, दर्शन करने के लिए तीन तीन चार चार लाइन लगी है। ये देखिए गाइस, हम वापस आ गए हैं दशाश्वमेध घाट से। आपने देखा ही है काफ़ी भीड़ है। ये है दो पहिया वाहन पार्किंग गोदौलिया पे। इस गली से हम लोग गए थे दशाश्वमेध घाट के लिए क्योंकि इधर से सिर्फ आने की व्यवस्था है। आने में ही काफ़ी भीड़ हो जा रही है तो जाने के लिए तो इधर से हो ही नहीं सकता। वहीं से हम लोग अभी वापस आए हैं, इधर से जाने नहीं दिया जा रहा है दशाश्वमेध घाट पर। तो इधर गली से लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट पर। यहाँ फोर्सेस भी काफ़ी लगी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। भूख लगाए, जैसा कि आपने देखा गोदौलिया पर वो पार्किंग की व्यवस्था तो है लेकिन वहाँ तक दो पहिया जाने नहीं दे रहे हैं, न चार पहिया जाने दे रहे हैं। तो हम लोग की बाइक काफ़ी दूर पर खड़ी है तो हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। ये देखिए काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है और हमारे मित्र दोनों आप देख सकते हैं मुंबई नहीं है। ठीक है गाइस, फिर पार्किंग में जाते हैं, अपना गाड़ी निकालते हैं और निकलते हैं घर के लिए। बस यही है आज के ब्लॉग में।